फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो मैं हूँ अभी किचन में और आज का ब्लॉग मैं किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो किचन की जो डीप क्लीनिंग करनी थी वो रूम शिफ्टिंग की वजह से, मतलब हाउस शिफ्टिंग की वजह से, वो कैंसिल कर दी है मैंने। तो थोड़ा सा ऐसे ही क्लीन कर लिया है। मैं आ गई हूँ लंच बनाने और लंच में मैं आज बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। तो भिंडी ये छोटू ने काट के रख दी है पहले से ही। और दाल बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो ये खाना है आज का, मैंने डिसाइड किया है बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट खाना बना करके मैं रेडी कर देती हूँ। गर्मी की वजह से थोड़ा सा स्वेटिंग हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है सीरियसली, और किचन में तो ना हालत खराब रहती है। खाना बनाना आजकल ना बहुत ही टफ काम हो गया है। और मैंने इयररिंग्स निकाल दिए हैं। कल एक्चुअली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इयररिंग्स चेंज किए थे, आपने देख लिया होगा, ग्लैमिगो बॉक्स का। तो उसमें मैंने वो जो झुमकी हैं छोटी छोटी वो पहन रखी थी, तो फिर तब से मैंने इयररिंग्स डाले ही नहीं। और काफी दिन से मैं वही गोल्ड के इयररिंग्स पहनी थी, तो थोड़ा सा ना मुझे चेंज करना था, इस वजह से कल मैंने चेंज कर लिया। अभी देखती हूँ, अभी डाल लूंगी, नहीं तो फिर देखती हूँ। और मेरी नेल पेंट अभी भी स्टिल वैसी की वैसी है, मैंने इतना सारा काम किया है तब भी ये बिल्कुल वैसी की वैसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना बनाना। तो मैं इस दूध के भगोने को मैं एक साइड कर देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं बनाऊंगी दाल। तो अभी जो मैं दाल बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी अरहर की दाल, और इसमें मैं थोड़ी सी ये जो मसूर वाली दाल होती है छिलके वाली, मैं इसको इसमें मिक्स कर दूंगी। मोस्टली मैं कभी भी खाली दाल नहीं बनाती हूँ। अरहर की दाल में थोड़ी सी कोई सी भी दाल एक मिक्स कर लेने से दाल का टेस्ट ना बढ़ जाता है। तो चलिए मैं इस दाल को वॉश कर लेती हूँ पहले। मैंने दाल को अच्छे से टंकी के पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं लास्ट में इसको जो आरओ वाला पानी होता है उससे फाइनली वॉश करूंगी, उसके बाद मैं इसको बनने के लिए चढ़ा दूंगी। मैं कोई भी दाल सब्जी है पहले उसको टंकी के पानी से 2-3 बार वॉश करती हूँ, उसके बाद जो आरओ का पानी होता है उससे मैं जरूर क्लीन करती हूँ अच्छे से। और मैंने गैस ऑन कर दी है, तब तक कढ़ाई गर्म होगी, इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। डालूंगी आधा नींबू कटा हुआ। भिंडी को मैंने जो छौंका है वो अजवाइन में छौंका है, मैं आपको दिखा देती हूँ, अजवाइन है ये। तो मैंने जीरे की बजाय इसको अजवाइन में फ्राई किया है भिंडी को, तो ये इसका टेस्ट और ज्यादा दुगना हो जाता है। तो आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर किसी ने नहीं किया है, अगर किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप जीरे की जगह इसमें अजवाइन डालिएगा तो भिंडी का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। और थोड़ा सा नींबू का रस बनाते वक्त डाल दीजिए तो ये लिसलिसी टाइप की नहीं होती है, चिपकती नहीं है। तो मेरी दाल और सब्जी जब तक रेडी होती है मैं तब तक मार लेती हूँ आटा रोटियों के लिए।
कमेंट आया है, मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, डीजे डॉल करके उनकी आईडी है, बट उनका नाम है द्रक्षा, रियल नेम है, तो उनकी भांजी है, उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मुशफिरा, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने मुझसे बोला था विश करने के लिए, तो आई रियली होप आपको खुशी हुई होगी। तो ये मेरा जो अंदर वाले रूम का काम है वो सबमिट किया है। सबसे बड़ा काम लगता है पैकिंग करना, और उससे भी ज्यादा बड़ा काम लगता है अनपैकिंग करना, बैग को अनपैक करना। इतने दिनों से बैग ऐसे ही पड़े हुए थे, तो आज फाइनली मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। जो बैग के अंदर का सामान था ये रख दिया है, ये दोनों बैग खाली हो गए। इसके अंदर सारी जो साड़ी वगैरह है वो भर के रख दी है फिलहाल, जो भी एक्स्ट्रा कपड़े इसमें जो ऑलरेडी रखे हुए थे पहले, तो वो भर के रख दिए हैं, और जो इसके जो कपड़े थे वो अरेंज करके रख दिए हैं। वैसे इसमें धुलने वाला कोई कपड़ा नहीं था, अगर धुलने वाला होता तो वो लॉन्ड्री में डाल देती। अपने सारे कपड़े बेटू के अलमीरा में लगा दिए, अपने सारे कपड़े अपनी अलमीरा में लगा दिए हैं, और पूरा सब कुछ एक सा हो चुका है काम। और इस बैग को मैं वैसे दीवान के अंदर रखती, पर अभी मैं इसको यहीं पर रखे रहने दूंगी, क्योंकि बार बार निकालना रखना तो ऐसे क्यों करना। अभी ज्यादा दिन होते शिफ्टिंग के तो चलो करती भी, अभी ज्यादा दिन तो बचे नहीं है, तो थोड़े दिन बचे हैं, इस वजह से दो तीन दिनों के लिए क्यों जो जैसा है वैसा ही रहने दे रही हूँ अभी। और आज मैं काफी दिन बाद इस रूम में बैठी हूँ। मैं पहले मोस्टली इस रूम में बैठ करके व्लॉग बनाती थी, बट आज मैं यहाँ की क्लीनिंग कर रही थी तो सोचा कि मैं यहाँ पर बैठ करके ही व्लॉग बना ले रही हूँ। तो बस अभी थोड़ा सा मैं फ्रेश होंगी, देख रहे हैं आप मेरे कितना पसीना आ गया काम करते करते। और बेटू बाहर सो रही है, मतलब सो रही है, सोने वाली है, अभी मैं बाहर गई नहीं थी काफी देर से, तो वो छोटू के साथ लेटी हुई थी, हो सकता है शायद वो सो गई हो। तो बस यही सारी चीजें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहिए। आजकल मुझे सच में ना आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिल रहे हैं, और कभी मौका मिला या नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के कमेंट पढ़ने की भी कोशिश करूंगी। मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, सच में बता भी नहीं सकती हूँ। और मुझे दो तीन लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए जो मेरे दिल को छू गए हैं। उन्होंने मुझसे बोला है कि वो मेरी लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं, वो हिंदी लैंग्वेज समझते ही नहीं है, बट फिर भी मेरा पूरा व्लॉग देखते हैं। सच में मैं इतनी ज्यादा ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि वो हिंदी लैंग्वेज नहीं समझ रहे हैं, बट फिर भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरे व्लॉग को पसंद कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही ज्यादा अंदर से खुशी हुई है, मुझे इतना अच्छा फील हुआ है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी मुझसे ये बोला है कि ये कितनी बड़ी बात है। ये अगर मैं अपने को पर्सनली लूं, अगर मुझे कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, अगर मुझे वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं वीडियो नहीं देखूंगी ना, क्यों देखूं जब मुझे लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है। बट जब मतलब दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माई लैंग्वेज एट ऑल, बट स्टिल दे आर वॉचिंग माई होल वीडियो, सो इट मीन्स लॉट टू मी। सीरियसली मैं ये सोच करके ना बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ, तो थैंक यू सो मच। और मैं उनका नेम किसी ना किसी वीडियो में जरूर लूंगी, बट फिलहाल मैं काम कर रही थी ना, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा वो हो गई, क्या बोलते हैं, इस चक्कर में अभी मैं फिलहाल नहीं ले पाऊंगी, बट मैं कोशिश करूंगी। आगे और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, ऐसे ही नहीं, और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, तो उन सबको मैं पढ़ने का कोशिश करूंगी अपने एक ब्लॉग में। तो आई रियली होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो फ्रेंड्स, मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ, आप बोर ना हो जाए, तो चलिए मैं इस ब्लॉग को फाइनली यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे, अगर आपको थोड़ा सा भी मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और क्या बोलते हैं, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। आप लोग मुझसे बोलते हो इंस्टाग्राम के लिए कि नहीं मिल रहा, क्या आईडी है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, प्लीज मेरा डिस्क्रिप्शन जरूर चेक किया करें। और डिस्क्रिप्शन जो मैं टाइटल डालती हूँ, टाइटल के बगल में एक छोटा सा ब्लैक कलर का एरो होता है ना, आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन ओपन होकर के आ जाएगा, तो वहां पे सारी डिटेल्स दी हुई होती है, तो प्लीज वो जरूर चेक किया करें। तो चलिए फाइनली मैं जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ मैं जल्दी से आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।